हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकोर अपडेट्स के बारे में। मेडिकोर अपडेट्स 1 अगस्त 2018 को आया था, जिसका मेन मोटो था उन वेबसाइट्स को अफेक्ट पहुंचाना जो हेल्थ से रिलेटेड है और क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रही अपने यूजर्स को। क्योंकि गूगल नहीं चाहता कि कोई अगर सर्च इंजन पे आए और हेल्थ से रिलेटेड क्वेरीज टाइप करे तो उसको एक्यूरेट रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इनिशियल इम्पोर्टेंट क्वेरीज होती है गूगल के नज़र में। तो इस अपडेट्स के बारे में तो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं एक्चुअल में क्या था। गूगल कन्फर्म्ड अ ब्रॉड कोर एल्गोरिथम अपडेट विद वाइड रिपोर्ट्स ऑफ मैसिव इम्पैक्ट, यानी कि एक मैसिव इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ इसका पड़ा। ब्रॉड कोर एल्गोरिथम अपडेट, ये एक कोर एल्गोरिथम है और वह ब्रॉड यानी कि बहुत बड़ा कोर एल्गोरिथम अपडेट्स। इट रोल्ड आउट ओवर द पीरियड ऑफ अबाउट ए वीक, यानी कि कई हफ्तों तक ये अपडेट्स चला। बट पीक्ड ऑन अगस्त 1 या यानी कि 1-2 अगस्त को ये अपडेट्स लिया गया था। दिस अपडेट्स सीम्ड टू डिसप्रोपोर्शनलिटी अफेक्ट साइट्स इन द हेल्थ एंड वेलनेस वर्टिकल, ये उन अपडेट्स को यानी कि उन साइट्स को इसने अफेक्ट किया जो साइट्स हेल्थ के बारे में थी, जो साइट्स वेलनेस से रिलेटेड थी, उन साइट्स को मेडिकल अपडेट्स ने नेगेटिव रैंकिंग देने स्टार्ट कर दी, क्योंकि उन साइट्स ने क्वालिटी नहीं दी। अगर आपकी वेबसाइट हेल्थ से रिलेटेड है तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो क्वालिटी है वो कम ना रहे, क्योंकि इन साइट्स को गूगल सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है और ऐसी साइट को गूगल हमेशा डेटा देता है रैंकिंग डाउन करने के लिए, क्योंकि गूगल नहीं चाहता कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़े, क्योंकि आप गूगल को, आप यूजर को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में आपको बस इसी का ध्यान रखना है। और मेडिकोर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एल्गोरिथम के साथ।